जी और आशीष की टीम को देखते हैं, आज कॉम्बिनेशंस क्या थे, फिर वहां से ट्रेड पिक करेंगे। चलिए 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर है, किसी ना किसी वजह से लाल हरा है, पर आप लोग जरा सा ट्रेडिंग टर्मिनल्स वॉच करिएगा और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। क्वार्टर वन अपडेट्स आ रहे हैं भाई, तो एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग और होल्डिंग तो रहा नहीं, अब एलएनटी फाइनेंस और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रीन कर, वेदांता का पस सा लग रहा था, अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, लाल रख दिया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस ने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा, तो सूरज एस्टेट डेवलपर्स पे एक बुलिश हाउस भी आता हुआ। GETND इंडिया ने ऑर्डर्स बैक करे, काया ने मैरिको के साथ मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़िया सा टाइप करा, यथार्थ में एक फंड ने चेक इन करा, ICICI प्रोडेंशियल ने, धर्मज क्रॉप गार्ड में एक फंड ने बिकवाली कर रखी, खूब चला हुआ स्टॉक है। और सूला अपमूव लाइकली नहीं है, मैंने कहा था सेलिब्रेटरी सेलिब्रेशन का मूड इसके रखे, अपमूव का तो आइडिया नहीं क्योंकि ये स्टॉक बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, बियर ग्रिप टाइप लग रहा है, तो अपन से वॉच करेंगे फन के लिए सूला विनियार्ड। ओके और बिजनेस अपडेट कई सारे आए, तो उसमें से बजाज फाइनेंस का काफ़ी अच्छा बिजनेस अपडेट है, बहुत शानदार ग्रोथ 10% की देखने को मिली है, लेकिन बंधन बैंक उसी के सामने कमज़ोर है। मैरिको ने टाई अप किया है काया के साथ कि उनके प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे बेचेगा। IDD सीमेंटेशन में खबरें आ रही कि शायद प्रमोटर अब एग्जिट लेना चाहते हैं। आवास फाइनेंशियल्स में भी केदारा कैपिटल वगैरह पूरी तरीके से एग्जिट की खबरें छप रही हैं, हटको इसलिए क्योंकि बजट एक्सपेक्टेशंस और खबरें आज छपी हुई हैं कि 50% तक रूरल हाउसिंग में सब्सिडी दी जा सकती है। JK टायर अपोलो टायर इसलिए क्योंकि रबर सप्लाई डोमेस्टिक फ्रंट पे काफ़ी टाइट हो गई, तो प्रोडक्शन काफ़ी मुश्किल में जा रहा है। यस बैंक पे नमूरा की एक न्यूट्रल कॉल है, 17 रुपये का लक्ष्य हो गया है, और PFC कंटिन्यूएशन में कल शानदार मूव है, आज भी लगता है आज भी मूव होना चाहिए। चलिए तो निफ्टी का जो अभी रुझान है वो करीब 24,375 का है 88 अंकों पर। राजेश जी गुड मॉर्निंग, क्या टीम से पिक कर रहे हैं राजेश जी आप आशीष और नीरज जी की? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, देखिए अगर नीरज जी की टीम देखे और आशीष जी की टीम देखे तो मुझे इन पर्टिकुलरली जो अच्छा लगता है वो है हुडको। अगर आशीष जी की टीम देखे तो हुडको मुझे लगता है 301 पे आसपास है आज, अगर आप इसे स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लगता है 320 का इसका टारगेट होना चाहिए, 320 के ऊपर जा सकता है, तो हुडको इज अ बाय। 302 का कल का क्लोज है, 295 का स्टॉप लॉस होगा। नीरज जी की अगर टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया लगता है वो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, 1370 के आसपास का इसका कल का क्लोज है, बेसिकली ये लेवल अच्छा है मुझे लगता है स्विंग ट्रेड के लिए, तो इसके लिए मैंने ब्रिगेड को चुना है। मेरे हिसाब से 1460-1480 तक का एक स्विंग मिलना चाहिए, 100 पॉइंट स्विंग मिलना चाहिए, तो ब्रिगेड इज अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 1380 का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।